यूपी के बांदा में मानो कोरोना पॉजिटिव केस की बाढ़ सी आ गई है। जिले में दिनों दिन पॉजिटिव मरीज बढ़ते जा रहे हैं, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन सभी इलाकों को सील करने की कवायद में जुट गया है। इसी कड़ी में चित्रकूट धाम मंडल के पुलिस उप महानिरीक्षक दीपक कुमार के ड्राइवर भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसकी वजह से अस्पताल में आने वाले मरीजों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ कोरोना मरीजों की संख्या 34 पहुँच गई, जिसमें 23 मरीजों का इलाज कर उन्हें वापस घर भेज दिया गया है। इसके अलावा 11 मरीज अभी भी एक्टिव हैं, जिनका इलाज जारी है। कि डीआई साहब के ड्राइवर कल उसी रिपोर्ट आई थी, उसको कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, उसको दृष्टि रखते हुए डीआई साहब जो कैंप कार्यालय है उसे 250 मीटर तक ये हॉटस्पॉट एरिया कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है मेरे द्वारा। और इसके अंतर्गत आने वाले जितने भी दुकान हैं, व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं, जितने वह सब बंद रहेंगे और किसी भी तरह का कोई भी वहाँ मतलब जो है व्यावसायिक गतिविधि नहीं होगी। और केवल जिला अस्पताल को, क्योंकि कोरोना की वहाँ टेस्टिंग हो रही है, वहाँ प्रवासी मजदूर आ रहे हैं जा रहे हैं, इमरजेंसी सेवाएँ हैं, क्योंकि उनको हमने छोड़ा है। और इसके अलावा वहाँ जो भी सब्जी की या डोर टू डोर डिलीवरी जो हम उसमें कराएंगे जिसको आवश्यकता होगी, वही सबको बता भी दिया गया है। और वहाँ सब CO साहब को, चौक इंचार्ज इंस्पेक्टर साहब, निश्चित कर दिया गया है कि अपने अपने उसमें ये सब बैरिकेडिंग करा के इसको पूरा सीज कर रखेंगे। साथ ही भरतपुर के कौमो में 17 पॉजिटिव केस सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। इसमें 15 कोरोना मरीज सिर्फ पुलिस स्टेशन से ही मिले हैं। वहीं इसमें पुलिस कर्मियों के कांटेक्ट में आए लोगों की पहचान की जा रही है। जानकारी के अनुसार कौमो थाना पुलिस को गो तस्कर पकड़ना भारी पड़ गया। दरअसल पिछले दिनों पुलिस ने गो तस्करों को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद गो तस्कर के कोरोना पॉजिटिव निकलने के साथ ही पुलिस कर्मियों की जांच कराई गई। एक कांस्टेबल के कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद दोबारा थाने पर तैनात सभी पुलिस कर्मियों की जांच कराई गई। बता दें कि कौमा थाना अधिकारी को छोड़कर 16 पुलिस कर्मी कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। लुधियाना में आम आदमी पार्टी ने बिजली के मुद्दे पर डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस के बाहर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के बिजली कीमतों पर धरना प्रदर्शन के बीच अकाली दल और बीजेपी ने भी पहुंचकर प्रदर्शन किया। बीजेपी ने राशन को लेकर प्रदर्शन किया। ये नज़ारा ऐसा था मानो नेता जनता की लड़ाई के लिए कम शक्ति प्रदर्शन ज़्यादा कर रहे हैं। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के भी जमकर धज्जियाँ उड़ाई गई, जो चर्चा का विषय बन गया। एक तरफ सरकारें कोरोना पर लगाम लगाने की जद्दोजहद कर रही हैं, वहीं ऐसे नेताओं की वजह से नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आज दा जड़ा प्रोटेस्ट था साडा सिर्फ ते सिर्फ बिजली, महंगी बिजली नु लेके आ। आज महंगी बिजली करके असी सब तो वध धरती सड़कां ते उतरे होए आ। इन्नी गर्मी दे विच हर वर्ग सड़कां ते आ, क्योंकि सरकार ने व्यापारियों नु कहा सी 350 करोड़ दा राहत पैकेज अस तुहानू दे रहे हैं, पर सरकार हुण उस तो भज चुकी है। ते सब तो वड्डी गल जिहड़ा फिक्स चार्ज बिजली दे ला के अज एक पासे तां आपां उद्योगिक व्यापारियों नू कह रहे हैं भाई तुहानू असीं घट खर्चा देवांगे, अद्धी लेबर अद्धी कर लो क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। पर समस्या यह है सोशल डिस्टेंसिंग की गल करिए जे आपां ते नाल दी नाल उहनां दा पैसा भी तो घटिया, उहनां दा व्यापार भी तो घटिया। सरकार क्यों नहीं उहनां नू कहिंदी भाई तुहानू असीं बिजली दे बिलां दे विच भी राहत देवांगे, उहनां दे 10-15 रुपए यूनिट बिजली बिल। अज डीसी साहब नू मेमोरेंडम दे बनाया है कि जिहड़ी मदद केंद्र सरकार वालों करोना दी बीमारी नूं नजिठण वास्ते, चाहे अन्न दे रूप च आई चाहे पैसे दे रूप च आई, उहदा सही उपयोग होवे, असीं उहदे वास्ते मंग करन आए हां। अज करीब 3 महीने हो गए लॉकडाउन लगे नूं और केंद्र सरकार ने टाइमली अन्न भेजिया, लेकिन हाले तक सिर्फ 3% लोगों नूं अन्न वंडिया गया। और दूसरी गल, जिहड़ा ये वंड सीगे ये सरकारी तंत्र राही होनी चाहिए सी, लेकिन कैप्टन सरकार ने इस पर राजनीति की। अपनी पार्टी के छोटे तो बड़े लीडर के अंदर घर कोठे भरते, वो अपने मन मर्जी के बंद दे रहे हैं, लेकिन लोड़वंद बंद को अन्न नहीं पहुँच रहा। मैं समझदा कैप्टन सरकार इस तो बड़ा काम कुछ नहीं कर सकती कि कोरोना के अंदर वह राजनीति कर रहे हैं। देखो कोरोना महामारी के टाइम जो भेजे गए मोदी जी वालों राशन की मिसवरतों हुई है और इस कांग्रेस सरकार ने कबड़ा किया है, वोद बारे जानू अज सारे डी साहब नी श्रोमणी अकाली दल तो जे बीजेपी के वर्कर ने सारे असं दसन आए हैं। और देखो हर दिन कोई ना कोई नवा मुद्दा सामने आ रहा है,
साढ़े सीएम साहब कह रहे हैं जी सानू शराब के बिचों इन्ना 5600 करोड़ का घाटा पै गया। घाटा की कह घाटा तो थोड़े जो कांग्रेस के लोग ने जो बिट्टू छाबड़ा केवल छाबड़ा अज किन्ने देर तो कांग्रेस के परिवार ने और ये शराब का धंधा कर रहे हैं और इन्हों 40 फैक्ट्रियां 200 रुपए की बोतल जी है 20,000 रुपए की पेटी बेचते पे ने। यूपी के संभल में नगर सुधार कमेटी और संघर्ष समिति ने चाइना की कायदापूर्ण हरकत पर चीन का पुतला फूंक कर विरोध प्रदर्शन किया और चीन के खिलाफ नारेबाजी की है। इसके बाद 2 मिनट का मौन रखकर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर नगर सुधार कमेटी के अध्यक्ष मुशीर तारीन ने कहा, चीन ने जो कायरतापूर्ण हरकत की है और विश्वासघात किया है वो निंदनीय है। अब भारत को उनके इस दुस्साहस का सर्जिकल स्ट्राइक करके मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। भारत की जनता इस मुश्किल की घड़ी में देश के साथ है। इस मौके पर डॉक्टर नाजीम और सैयद असलम ने कहा, चीन हमेशा से ही भारत के साथ छलावा करता रहा है। देश के जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। हमारे बहादुर फौज बदला लेना अच्छी तरह जानते हैं। ये हमारे देश के जो सीमा पर जवान शहीद हुए हैं और चाइना ने हिंदुस्तान के साथ में जो विश्वासघात किया है उसके सिलसिले में ये पुतला फूंका गया और हमारी भारत सरकार से ये दरख्वास्त है कि सर्जिकल स्ट्राइक द्वारा इनको मुंहतोड़ जवाब दिया जाए ताकि ये दुस्साहस जो उन्होंने किया है वो दोबारा नहीं कर पाए। चाइना हमेशा से हिंदुस्तान को धोखा देता चला आया है। चीन की कायराना हरकत पर देश भर में गुस्सा है। जिला फजिलका शिवसेना बाल ठाकरे के सदस्यों ने फजिलका के घंटाघर चौक में चीन का पुतला फूंका और शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए शिवसेना बाल ठाकरे के जिला प्रधान और दूसरे सदस्यों ने बताया कि हमने चीन का झंडा फूंका है और हमारी देशवासियों से अपील है कि चीन के बने प्रोडक्ट का बहिष्कार करें। अज असी कार्यक्रम किया, असी जिहड़े भी चाइना ते हिंदुस्तान दे विच जो भी कल भी फौजियां दे विच चाइना ने जो भी हरकत की सी साडे फौजी भाई भी शहीद होए ने ते असी अज चाइना दा झंडा फाइलगा साड़ा गया ते उन्हां दा जिहड़ा असी बहुत सारे देश आदे फाजिलका दे सारे देशवासियों ते पंजाब वासियों नूं असी यही अपील करते हैं भी जिहड़ा भी चाइना दा समान तुसीं खरीदते हो तो उन्होंने खरीदना बंद करो क्योंकि ये अपने को पैसे लैंदा तो आपको हथियार सप्लाई करता तो अपने उत्ते ही हमला करता। भारतीय किसान यूनियन ने चीन का पुतला दहन कर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग मुर्दाबाद के नारे लगाए। इसके साथ ही मुजफ्फरनगर में चीन के सामानों का बहिष्कार किया गया और व्यापारियों को चीन का सामान नहीं बेचने की बात कही गई। साथ ही साथ भारतीय किसान यूनियन ने केंद्र सरकार से चीन को मुंहतोड़ जवाब देने की मांग की है। यूपी के बुलंदशहर में बिजली घर से ट्रांसफार्मर हटाने की सूचना पर ग्रामीण ने विरोध प्रदर्शन किया। भीषण गर्मी में जनता का हंगामा देख बिजली कर्मचारी मौके से फरार हो गए। इस दौरान ग्रामीणों ने जमकर हंगामा काटा और बिजली घर से बिजली अफसरों को दौड़ा दिया। ये पूरा मामला बुलंदशहर डिबाई तहसील क्षेत्र के गाँव कड़वास का है। ग्रामीणों के हंगामे को देख कर पावर कॉर्पोरेशन के आला अफसरों ने आश्वासन दिया जिसके बाद ग्रामीण शांत हुए। ये पब्लिक को यहाँ जानकारी हुई कि यहाँ जगह 2 बिजली की ट्रॉली मतलब ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं और यहाँ में से एक उठा कर नहीं राम बिलोनी ले जाना चाहते हैं और यहाँ के किसानों को चौपट करना चाहता है हमारा बिजली विभाग। तो यहाँ पब्लिक को जानकारी हुई और पब्लिक इकट्ठी हो गई और उसको ट्रॉली को ले जाने से बिल्कुल साफ इनकार कर दिया गया। अच्छा, जैसे कि एसडीओ और एक्शन आए थे, उन्होंने क्या आश्वासन दिया पब्लिक को? उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि यहाँ पर पब्लिक बहुत ज़्यादा है और पब्लिक के ज़्यादा रुख को देखते हुए यहाँ जगह से कोई सामान नहीं उठाया जा सकता और जनहित में ही कार्य किए जाएं। इस वजह से यहाँ से पब्लिक अपने अपने घर को वापस हुई है, इसलिए पब्लिक अपने अपने घर को यहाँ से वापस हो गई। आजमगढ़ जिले के मेहनगर में मेड़ के विवाद में
पिछले कई दिनों से सुलग रही चिंगारी ने आग का रूप ले लिया और दो पक्षों के बीच जमकर खूनी संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में जहां एक युवक की मौत हो गई, वहीं दोनों पक्षों के 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जाँच शुरू की। गांव में तनाव को देखते हुए मौके पर फोर्स भी तैनात कर दिए गए। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। ये मेनगर थाने में गोपालपुर गांव है, वहां पे दो चौहान परिवार है, उसमें मेड़ को लेकर के विवाद हो गया। रात में लाठी डंडे से लोगों ने मारपीट की। आज सुबह में उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, उसमें मुकदमा कायम करके जो लोग दोषी हैं उनको जेल भेज रहे हैं।